से हम कोशिश कर रहे हैं और कि जो मदद कर सकें, तो कपड़े, राशन, हम और हमारी पत्नी, हम लोग सब बॉक्सेस बना रहे हैं। और एक साहस करके कि यहाँ पे एनजीओ है, उनके द्वारा हम सब कुछ भेज रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो है, भले 1 रुपया एक परिवार से, एक घर से 1 रुपया भी जाता है तो एक बहुत बड़ी मदद होती है। 100 रुपया भी जाता है, 50 रुपया भी जाता है, तो ये मदद करना चाहिए जितना भी छोटा बड़ा हो सके, बिकॉज़ हमारे देश का हिस्सा ही है केरला। और मैं समझ सकता हूँ कि पूरा जीवन उनको दोबारा शुरू करना है। इसमें मृत्यु तो बहुत ही, लेकिन जो लोग बच गए उनके लिए एक नई लड़ाई है, वापस से एक नई ज़िंदगी शुरू। सब कुछ बह गया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अगर जितना हो सके हर इंसान करे इस देश में, तो बहुत अच्छा एक पहलू। आपकी फिल्म सन के दरबार की डेट भी आपने अनाउंस की है, कुछ मैं बताएंगे फिल्म के बारे में? 7 सितंबर मैं चाहूँगा कि सब लोग जाएं सन की दरोगा देखें, और हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन बांटें कि ऐसे पिक्चर के बढ़ावा दें। और पहली बार हम रिक्वेस्ट करते ही नहीं कि हमार प्रोड्यूस के लिए पिक्चर बांटे या मेरे बैनर से आ रही, कि बलात्कार से हमको आप सबको नफरत है, क्योंकि हम सबके घर में माता पिता, माता बहनें बेटियाँ हैं। और ये घृणित अगर धरती पे कोई सबसे ज़्यादा काम है कि किसी मन के खिलाफ जाके उसको, उसके शरीर को अत्याचार करना, तो उसके लिए एक मुहिम में हमने एक फिल्म बनाई। इंटरटेनमेंट भी है, गाना है, सब कुछ है, बट एक टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। भोजपुरी सिनेमा के लिए एक अच्छी पहल है, आप लोगों को बड़ा गर्व होगा कि भैया ने एक ऐसी पिक्चर बनाई है। तो कृपया 7 सितंबर को, 7 सितंबर को आप सब लोग जाइएगा, ये फिल्म को ज़रूर देखिएगा। 28 को हम मुंबई में लगाएंगे और यूपी में। 7 को, चूँकि यहाँ बरसात है इसीलिए हम यहाँ 28 को लगा रहे हैं, सो 7 इज़ बिहार एंड झारखंड। रवि जी, रक्षाबंधन है, कुछ शुभकामनाएं देंगे? हाँ, सारी बहनों को बहुत बहुत शक्ति मिले, अपने भाइयों से प्रोटेक्शन मिले, और बहुत सारा आप लोगों को अच्छा सा गिफ्ट मिले, कैश मिले भाइयों से। आप लोग भाई आप लोगों की हमेशा रक्षा करें, सुरक्षा करें। आप लोग बहन एक बहुत ही सुंदर संबंध है, जब दोस्त हट जाते हैं कभी कभी, सारे लोग जीवन से हटते हैं, वहाँ बहन खड़ी हुई आपको मिलती है, तो वो संबंध बहुत अद्भुत संबंध है। और मैं सारी बहनों को प्रणाम करता हूँ रक्षाबंधन की। अब सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आ रहे हो? प्रणाम। ठीक बात।